हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवीज क्रिएशन। आज मैं आप लोग को एक स्लीव्स डिज़ाइन बताऊंगी, स्टिच करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक ले ली हूँ, मैंने फैब्रिक और अस्तर कपड़ा भी ले ली हूँ। जितना नाप रखना है उसी उसमें ही कटिंग कर ली हूँ। तो मेरे को लेंथ रखना है ब्लाउज के 8 इंच तैयार, तो उसमें 1 इंच प्लस करूँगी तो 9 इंच मैं लेंथ लूँगी ब्लाउज के। और उसके बाद ये 36 इंच ब्लाउज के माने स्लीव्स हैं, तो इसका आर्म होल मैं उसी हिसाब से लूँगी। तो आर्म होल है 9.5 इंच, तो फिर उसके साथ तो इसीलिए मैं 9 इंच पे चौड़ाई ले ली हूँ। तो 9 इंच को गोलाई में शेप दे दूँगी तो 9.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर से मैं ये 9 इंच और इधर से मैं डाउन करूँगी 3.5 इंच, ऊपर से डाउन करूँगी 3.5 इंच। उसके बाद नॉर्मल जैसा स्लीव्स का शेप है वैसे ही स्लीव का शेप दे दूँगी और फ्रंट से ऐसे गहराई शेप दे दूंगी, ठीक है। अब इसको कटिंग कर लूंगी। आर्म होल अगर 10 रहेगा तो चौड़ाई में विड्थ में लेंगे 9.5 इंच, 9.5 रहेगा तो 9 इंच लेंगे, 8.5 रहेगा तो 9 इंच लेंगे, 8 इंच लेंगे, ठीक है। ऐसे में 0.5 इंच गोलाई करेंगे तो बढ़ जाता है। फिर सामने तरफ से भी कटिंग कर लूँगी। ये जो गहराई है स्लीव्स का, ये गहरा भाग काटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इससे फिटिंग बहुत अच्छा आता है। नहीं काटेंगे तो सामने से थोड़ा उठा हुआ टाइप का रहेगा। तो अब मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर कपड़े को रख के पहले स्टिच कर लूँगी। सीधे वाले पार्ट पे रखूँगी अस्तर कपड़े को, फिर इसको पलट लेना है, तो इसीलिए सीधे वाले पार्ट पे अस्तर कपड़े को रखना है और रख के स्टिच करना है। सीधा सीधा स्टिच करूँगी, ठीक है। फिर ऊपर से एक प्रेस सिलाई दे दूँगी अस्तर कपड़े के ऊपर। ये हो गया है। अब इसको पलट के फिर उल्टे तरफ से स्टिच करके पूरा चारों तरफ से मेन फैब्रिक के साथ अस्तर कपड़े को अटैच कर लूँगी। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए इस तरह के नए नए डिज़ाइन देखने के लिए। और डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए स्टिचिंग हो गया है और स्टिच करके मैं चारों तरफ से स्टिच करके ये अटैच कर ली हूँ। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी, चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लूँगी। हो गया है कटिंग करना। इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी, तो इसके लिए मैं पेपर पेस्टिंग ले ली हूँ। और पेपर पेस्टिंग लेने के बाद फिर मैं पिन अटैच कर लूँगी। ऊपर से 0.5 इंच पर निशान लगाऊँगी, फिर 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, फिर 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। तो चलिए डार्क कर लेती हूँ मैं, वो बहुत ही लाइट था। ये देखिए 2, 1 और 2, फिर 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी विड्थ में और फिर स्ट्रेट लाइन खींचूंगी। अब 2 का 1/2 है 1, ये देखिए, और फिर ऐसे बर्फी शेप दे दूंगी। नीचे से भी ऐसे ही बर्फी शेप दे देना है और फिर वो जो बीच का जो 1 इंच का गैप था उसमें ऐसे राउंड शेप दूंगी, हल्का सा राउंड। ये हो गया है। अब बाहर तरफ से भी एक लाइन ड्रॉ करके इसको कटिंग कर लूँगी। ये हो गया है कटिंग। अब अंदर का जो डिज़ाइन है उसको कटिंग करना है। ये कटिंग हो गया है, कुछ इस तरह डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं अस्तर कपड़े के ऊपर प्रेस करके चिपका ली हूँ और फिर चारों तरफ से फोल्ड करके पहले स्टिच कर लूँगी। ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, आप लोग इस करवा चौथ में ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद बताइए डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा।
अगर कोई भी डाउट रहेगा तो डिज़ाइन के बारे में मेरे को बता सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। दोनों में मैं ये देखिए, चलिए सेंटर पॉइंट निकाल लेना है स्लीव्स का भी, और जो डिज़ाइन को बनाई हूँ ऊपर से मैं 1.5 इंच को 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर इसको अटैच करूंगी। दोनों का सेंटर पॉइंट निकालते हुए पिन अटैच कर लेना है। उसके बाद जैसे जैसे डिज़ाइन है उसके चारों तरफ से मैं स्टिच करूंगी, बकरों के ऊपर स्टिच नहीं करूंगी, उसके साइड से पूरा मैं स्टिच करूंगी। ये हो गया है स्टिच करना। अब कटिंग कर दूंगी, बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा बहुत कपड़ा छोड़ते हुए पूरा कटिंग कर लूंगी। ये देखिए छोटा छोटा कट लगा दूंगी ताकि आसानी से बैक साइड में फोल्ड हो जाए। अब इसको सीधा कर लूंगी। हो गया है, सीधा कर ली हूँ। अच्छे से खींचते हुए थोड़ा अच्छे से खींच ली हूँ और खींच के उसके बाद फिर स्टिच कर लूँगी। जो डिज़ाइन है उसके चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी। धीरे धीरे करके चारों तरफ से स्टिच करना है। ये हो गया है। अब इसमें मैं लेस अटैच करूँगी। ये साड़ी का लेस है जो ब्लाउज पीस में भी था, तो उसी को अटैच करूँगी। तो नीचे से थोड़ा सा जो ब्लैक दिखाई दे उस तरफ थोड़ा बहुत कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर से लेस को अटैच करूंगी ताकि पाइपिंग जैसे लगे नीचे से ब्लैक कलर का। तो चलिए अटैच हो गया है। अब बीच में भी मैं इस वही लेस का मिलता जुलता गोल्डन कलर का एक लेस ले ली हूँ पतला सा, उसको अटैच कर दूंगी। जैसा जैसा डिज़ाइन है वही शेप के ऊपर से ऐसे लेस को अटैच करूँगी, और बहुत ही धीरे धीरे लेस को अटैच करना, नहीं तो फिर डिज़ाइन बिगड़ जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और ख़ास करके ये जो कोना है, ये कोना बहुत ही ध्यान से इसमें स्टिच करना रहता है। देखिए इसे धीरे धीरे करके स्टिच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा जो लेस है उसको कटिंग करूँगी और कटिंग करके फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। तो हो गया है लेस अटैच करना। बीच में मैं गोल्डन कलर का मोती अटैच करूँगी। मैं इधर 4 ठोक मोती अटैच करूँगी, आप लोग चाहे तो 3 मोती भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा खींचते हुए मोती को अटैच करना, नहीं तो लूज़ हो जाता है और वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता। ये हो गया है आखिरी मोती अटैच करना। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज के लिए यह तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नया डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।